हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको कपड़े, तो उसी का सॉल्यूशन लाया गया है। तो यहाँ पे वो दोनों कबर्ड, एक कबर्ड और एक ड्रेसिंग टेबल को निकाल के यहाँ पे ये लिया गया है। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि काफ़ी स्पेसियस है, खाने वगैरह हैं। और यहाँ पे देखिए, ये लाया जा रहा है, दो पार्ट में है। अभी इसको ज्वाइन करेंगे अंदर जाके। जो ड्रेसिंग टेबल की जगह थी तो वहीं पे ये कबर्ड आ गया है, क्योंकि वो उतनी जगह घेरे हुए था, उसके पीछे तो कुछ काम होता नहीं था। तो कांच, तो इसमें भी कांच का यूज़ हो जाएगा और पीछे कपड़े भी रखे रहेंगे। जगह के हिसाब से अपने को सब कुछ सेट करना पड़ता है। और अभी तो और भी कपड़ों के लिए जगह की ज़रूरत होने वाली थी, तो ये सोच लिया है उन्होंने। अच्छा रहा, तो पहले क्या सब सेट हो जाएगा। और रात के बज रहे होंगे 9:30-9:30 बजे। खाना पीना निपटा के सब कुछ करने के बाद मैं आई यहाँ पे, क्योंकि ये फैला हुआ था ना, तो अपना दिमाग काम नहीं कर रहा था। और फिर मैंने कहा लाओ चलो स्टार्ट करते ही है, अपने को ही करना है, तो फिर आज करो या कल करो कोई मतलब नहीं है, जितना जल्दी हो जाए बारिश के टाइम में उतना अच्छा है, कपड़े कहाँ पड़े रहेंगे। तो अब मैंने सबसे पहले इसको साफ़ करके ये पेपर बिछाना स्टार्ट किया है। पहले सोचा था कि खाली घर के कपड़े अरेंज करूँगी, फिर दूसरे उधर बाद में देखूंगी, पर वही है ना, करते करते जब हम कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर मन नहीं मानता उसको पूरा करे बिना। फिर काफ़ी हद तक थक गई थी, और बीच बीच में इधर उधर के काम भी हो रहे थे, तो मैं गई थी, शायद मम्मी ने कुछ बुला मांगा था। और खड़े होने में, बैठने में अभी तो हर चीज़ में ही तकलीफ है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं ज़्यादा देर बैठने का होता तो कर लेती, या ये ईजी था, ईजी कुछ भी नहीं होता है। पर फिर भी जो करना है वो करना है। फाइल रख दी है, और अब मैंने ये जो कोट पैंट वगैरह, कोट का जो है पार्ट, उसको मैंने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनको सिर्फ उठा उठा के ही रखना है, उनको इजीली उठाना के सिर्फ टंगाना था। और जो कपड़े टंगने वाले थे अलग से घड़ी करे रखे थे, उनको भी मैं टंगाती जा रही हूँ, तो अच्छे से सेट होते जाएँ। और अभी तो काम स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था। और ये इतने सारे कुर्ते और सब कुछ हैं, पर ये लड़का हमारा पहनता नहीं है, इतनी गुस्सा भी आ जाती है जब, है ना, बेड पे निकाल के रखे ना कपड़े, तो ये बोलते हैं ये इतने सारे हैं। मैंने कहा बस इतने ही हैं, क्योंकि पहनने के टाइम पे किसी के पास कपड़े नहीं होते, रखने के टाइम पे रखने वाला कंटाल जाता है। तो बस यही था आज का काम मेरा।
अब जो बैठ के घड़ी करने वाले हैं वो घड़ी करती जा रही, और थकान तो दिख ही रही होगी, बहुत थक गई हूँ। तो मैंने कहा चलो थक के भी कोई मतलब नहीं है, इनके जो पैंट वगैरह थे उनको ही घड़ी कर रही हूँ। तो पहले सारे कपड़े घड़ी करके, सिर्फ फिर रखने में इतना वो नहीं रहता है, खड़े खड़े घड़ी करने में बनता नहीं। और टी शर्ट वगैरह जो इधर उधर थी नई अलग की हैं, जो डेली यूज़ वाली अलग, जो बहुत ज़्यादा ही नई सी है उनको अलग कर दिया है। और अभी भी इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरा एकदम से अरेंज हो गया, क्योंकि अभी तो सिर्फ इसको रखना था, फिर सोचना भी है कि कहाँ कैसे, और कुछ चीज़ें मंगानी भी हैं, बास्केट वगैरह, तो ऑर्गेनाइज़र जैसे थोड़ा बहुत सॉक्स हैंकी के लिए, तो वो देखेंगे। पहले इसके क्या साइज़ के लिए रुकी थी कि इसमें किस तरह के अंदर है ना पार्टीशन आएगा, तो उस तरह से ही चीज़ें मंगाई जाए ना, नहीं तो फिर बड़ी छोटी हो जाए, यूज़लेस हो पड़ी रहे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए है ना मैं रुकी थी, तो अभी तो बस ऐसे ही इनको रख दिया है, अभी धीरे धीरे अरेंज करने में टाइम लग जाएगा, और भी चीज़ें आ सकती हैं, नहीं भी आएंगी तो वैसे तो अरेंज हो ही गया है, दिवाली तक भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अभी हमको है ना एकदम से सजाना है, परफेक्ट कर लेना है। सिर्फ कपड़े रख गए हैं और काफ़ी स्पेस अभी बचा है, तो धैर्य का और इनका अच्छे से सेट हो जाएगा, तो ये साइड अलमारी रूम की है वो मुझे मिल जाएगी, तो उसकी भी अभी ज़रूरत आएगी, तो इसके लिए ये सब किया था। और बस अब फिर से काम में लगते हैं, जो घड़ी करके रखा था बैठे बैठे वो सब उठा के यहाँ पे रखती जा रही हूँ, और इनकी शर्ट वगैरह, और देखिए कपड़ों की है ना भंडार लगे हैं, और फिर भी यही बोला जाता है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो अब मैंने देखो रखना स्टार्ट किया है, काफ़ी कुछ रख भी दिया है, और इतना रखने के बाद भी मेरे ड्रेसिंग टेबल की आइटम बहुत सारी छोड़ दी थी, फिर मैं लेट गई थी, फिर इन ये आए थे इन्होंने जो भी अपने समझ से रखा था, मैंने बोला रहने दो मुझे भी है ना उसमें बहुत सारा फेंकना है, बहुत सारा ढूंढना है, बहुत सारा है ना अच्छे से रखना, इसके लिए मैंने छोड़ दिया, और मैं थक भी गई हूँ। तो बोलते नहीं अब मैं रखता हूँ, मुझे जितना सही लग रहा है मैं रख देता हूँ, फिर सुबह कर लेना। तो कचरा वगैरह फिर मैंने सुबह ही भरा था, बहुत देर हो गई थी, 12 तो वैसे ही बज गए थे। और ये लोअर वगैरह है ना मैं अभी ऊपर रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी एकदम से डिसाइड नहीं है, चेंजेस भी होते रहेंगे जैसे चीज़ों की, ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज़ अभी यहाँ होनी चाहिए, रखते टाइम और यूज़ करते टाइम दोनों टाइम है ना अलग अलग वो हो जाती है रिक्वायरमेंट कि कहाँ क्या होना चाहिए। ये बास्केट है मेरे पास एक दो छोटी छोटी सी, तो जिसमें मैं इनकी है ना अंडर गारमेंट्स रखती हूँ, तो वही अभी रख रही हूँ, और स्पीड बिल्कुल भी नहीं रही है, बहुत थकान हो रही है, पर मैंने कहा लाओ चलो अभी रखती जा रही हूँ। ऐसी बास्केट और मुझे लानी है, क्योंकि इनमें चीज़ें दिखती भी रहती हैं, और ये इसको है ना मैंने घर पे ही है ना बाहर से वो सब लगाया था, तो अभी उसको मैंने पलट दिया है, तो मैं देख रही हूँ कि किस में क्या अच्छे से आ जाएगा। कोई भी चीज़ है ना हर चीज़ का एकदम वो है जो लिमिट से ज़्यादा, तो ये इसमें आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा इसमें इसको रख देती हूँ, और उसमें हैंकी वगैरह रख दूँगी। और धैर्य के लिए तो अभी कुछ सोचा ही नहीं, अभी तो उसके ड्रॉअर में ही रख दिए हैं, फिर है ना उसको रखती जाऊँगी सेट कर करके। तो बस रात के है ना काफ़ी, अभी तो मेरे 10:30 हो रहे होंगे शायद, और ये खाना पीना आज खा के ही गए हैं, तो उसका टेंशन नहीं है, इन्होंने सोमवार का पूरा महीना रखा है, मैं भी रखती थी पर इस बार मैंने नहीं रखा है। और ये हैंगी का पूरा नए हैंगी हैं, तो उसमें ही थे पेपर में, मैंने कहा लाओ इसके साथ ही रखने की कोशिश करती हूँ, तो वो बीच से फोल्ड नहीं हुए पर ऐसे हो गए, तो मैंने कहा चलो अभी रहने देते हैं। और हमारे यहाँ ना हैंकी के पीछे बहुत वो रहती है, धैर्य ना ज़्यादातर इनके हैंकी ले जाता है, और इतने हैंकी दिख रहे हैं इसमें से इनके इनकी पसंदगी के एक दो ही होंगे शायद, और मेरा फेंकने का मन नहीं होता, मैं इनको ऐसे रख देती हूँ, फिर वो चिल्लाएंगे कि ये मेरे हैं नहीं क्यों रख देती हो, तो मैंने कहा आपके हैं नहीं फिर आते कहाँ से हैं। और सॉक्स वगैरह भी इसमें ही रखती जाऊँगी, फिर सॉक्स के लिए वो अलग से वो आता है ना पूरा बॉक्स जैसा आता है ओपन, और उसमें बने रहते हैं कि दिखता रहता है सॉक्स और हैंकी का ऑर्गेनाइज़र, वो अच्छा रहता है वो देखती हूँ। और ये सारे सॉक्स बड़े बड़े हैं, जो ये बड़े सॉक्स नहीं अब पहनते, तो ये पापा की तरफ रख दूँगी, ये अब है ना छोटे छोटे से सॉक्स आते हैं ना वही वाले पहनते हैं। तो अभी भी मेरा काम चल ही रहा है, काफ़ी टाइम लग जाएगा ये ही रखते रखते, निकाल के रखने में ना 10 मिनट लगे थे, जब वो कवर्ड खाली किया तो उठा के सब पटक दिया था बेड पर, और जब हमें ना कोई भी चीज़ अरेंज करके रखते हैं तो उसमें कितना टाइम जाता है, एक एक चीज़ देखते हैं कि कौन से काम की है नहीं है, फिर उसको निकाल दो, नहीं तो फिर से वैसे ही के वैसे भर दिया जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो वही देख देख के मैं रखती जा रही हूँ, और धैर्य की जो थे वो धैर्य की साइड रख दिए, इनके तो इनकी साइड रख दूँगी।
तो अब मैंने कबट कर दिया है बंद। अब इसमें से ये कपड़े तो सब हैं, पर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको कहाँ कहाँ रखना है, कैसे रखना है। ये इनके कुर्ते वगैरह हैं, कुछ पायजामे हैं, और इतने सारे अंगोछे हैं ना, जब भी गांव जाते तो एक दो उठा लाते हैं, और यहाँ तो यूज़ होते ही नहीं। ये मेरा दुपट्टा है, तो इतनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको ना फेंकते बनता है ना रखते बनता है। और ये प्रेस वाले कपड़े हैं जिनको तो मैं बांध दूँगी तो ये प्रेस में चले जाएंगे। और ये टाइम पे है ना बहुत मुझे वो लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं बैठ जाऊँगी। अब मैं लाइट बंद करके थोड़ी देर लेटती थी, लेट गई थी मतलब, फिर है ना उसके बाद सामान ये जो था वो आए थे, फिर उन्होंने किया था। और ये देखिए ये फाइनल लुक है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, पर हमें इतने में ही बहुत मेहनत लग गई थी। तो ये कपड़े अभी हाल फिलहाल में इस तरह से रखे गए, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। अभी तो बस ऐसे ही सेट किया है, तो जैसे जैसे यूज़ होता है उस तरह से पता चलता है कि हमको क्या मतलब कहाँ क्या चेंज करना है वो बाकी है। तो इनका कपट हो गया है बंद, अब चलते हैं धैर्य की तरफ, जो उसके भी काफ़ी कपड़े हैं ना व्यवस्थित रखी गए हैं। तो कोट पैंट की जगह पे इनके और उसके दोनों के टंगे हुए हैं कपड़े, और टाई और बेल्ट जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने टंगा दी है, कुछ रख दी है नीचे। और यहाँ पे उसका ड्रॉअर है हैंकी का और सॉक्स का, तो वो भी है। और एक ड्रॉअर में मैंने अपना छोटा मोटा भी सामान रखा है और सब फेंक दिया है, फालतू रखना ही नहीं है, इतने में ही आ जाए ऐसे ही रखना है। और ऊपर है ना ये साबुन वगैरह और डेटॉल जो भी एक्स्ट्रा होता है, इसके चड्डे और पैंट हैं सबसे ऊपर। और यहाँ पे नई टी शर्ट है, मेरी चूड़ियाँ हैं, और भी अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड होता है, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।